हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान की फेमस वेज कबूली की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कबूली बहुत ही खाने में टेस्टी होती है। ये शादी ब्याह के मौके पर, खास बड़े त्यौहार के मौके पर अक्सर घरों में बनाई जाती है। इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से बनाते हैं। इसके लिए देखिए, बासमती राइस है जिनको 2 घंटे के लिए हमने भिगो दिया है। यहाँ पर आलू है, प्याज है, गोभी है और 2 टमाटर और लहसुन अदरक है। ये मटर हैं, गाजर हैं, हरी मिर्च हैं और बीन्स हैं, और ये टूटी फ्रूटी है। मेरे घर में जो अभी अवेलेबल है मैं आपको उनसे बनाना बता रही हूँ। ये ब्रेड है। अब यहाँ पे हम स्पेशल इसके अंदर डालेंगे गट्टे। गट्टे राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। हमारे जोधपुर में जब भी कोई शादी फंक्शन होता है, कोई मेहमान आता है, तो हम इस तरह की कबूली बनाते हैं, उसमें ये गट्टे ज़रूर डालते हैं। ये देखिए, 1 कप बेसन में नमक, मिर्च और हल्दी डाली है और उसमें तेल डालकर अच्छा सा एक हम डो बनाएंगे। पानी हमें बहुत कम डालना है। ये देखिए, इस तरीके से हम डो तैयार कर लेंगे। यहाँ डो तैयार करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ लेकर इस तरीके से पतली पतली इनकी बेलें बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इनको बाद में छोटी छोटी साइज़ में काट देंगे। ये जितना छोटा आप काटेंगे उतने ज़्यादा गट्टे टेस्टी लगेंगे फ्राई होने के बाद में। यहाँ पे हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा है चावल के लिए। इधर तेल गर्म हो रहा है, ये पानी गर्म हो चुका है, हम इसमें अपने चावल जो है वो बॉयल होने के लिए डाल देते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पे सबसे पहले फ्राई करने में हम गोभी को फ्राई कर रहे हैं। ये गोभी हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। अब हम गोभी के बाद में आलू को बॉयल करेंगे इसके अंदर। यहाँ मैंने 2 आलू लिए थे, उनको पतला पतला काट लिया इस तरीके से। आप चाहे तो इनको गोल भी काट सकते हैं। ये देखिए, ये भी ब्राउन हो गए, इनको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब जो हमने वो गट्टे बनाए थे स्पेशल राजस्थानी, जो कबूली में डालने हैं के लिए, और ये कबूली की जान है, ये जब चम्मच में हर कौर में मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं, इनको भी हमें ब्राउन करके निकालना है। ये ब्रेड है, ब्रेड को भी हमने क्रिस्पी कर ली है और उनको भी निकाल लिया है। यहाँ पे 2 बड़े प्याज लिए थे, उसको उसी तेल में डालकर अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक भूनना है। यहाँ पर 2 कटे हुए जो टमाटर थे उनको इसके अंदर डाल दिया है। चावल को हमें बीच बीच में चेक करते रहना है इस तरीके से, देखिए। अब जब ये बन गए हैं, हमारे चावल हो गए हैं, तो हम इसके अंदर 80% 90% तक ही हमें पकाना है। उसके बाद में इसमें नींबू डाल देंगे, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम कबूली के लिए सब्जी तैयार कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे पहले मैंने नमक डाला है, फिर मिर्च, ये हल्दी और ये धनिया पाउडर। इस तरीके से चारों सूखे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ आप चाहें तो आप गर्म मसाला भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इनको अच्छी तरीके से मसाले को पकाएंगे। जब ये हमारा मसाला पक जाए तो जो सब्जियां पकने में टाइम लगती है उनको हम पहले डालेंगे, जैसे गाजर, गट्टे जो हमने फ्राई किए हैं, बीन्स और मटर और हरी मिर्च। इन सबको हम मसाले के साथ अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए, अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब थोड़ा सा पानी डालकर इनको पकने देंगे। ये देखिए गाइस, तेल छूट चुका है, तो अब हमने जो फ्राई की थी सब्जियां वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमारी जो ग्रेवी तैयार हो रही है, सब्जी तैयार हो रही है, ये लेयर्स बनाएंगे हम कबूली की, उसके लिए हम ये बना रहे हैं। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम ताकि ये थोड़ी सी पतली हो। ये देखिए इस तरीके से, और जब पानी डाल देंगे तो पानी को अच्छी तरीके से उबाल आए उतना हमें इसको पकाना है। ये देखिए, इतना सा पानी डालना है, और ये देखिए उबल जाने तक हमको पकाना है। ये चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके अंदर हम 1 चम्मच घी डालकर हिला लेते हैं ताकि हमारे चावल खिले खिले रहें। अब देखिए, भगोने में सबसे पहले हमने चावल की लेयर लगाई है इस तरीके से, 1 परत बिछाएंगे। उसके बाद आप इसमें धनिया, ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को टूटी फ्रूटी पसंद है तो मैं वही डाल के बना रही हूँ। सबसे पहले चावल की लेयर ली, उसके बाद में हमने सब्जी की लेयर, अब वापस हम इसके ऊपर चावल की लेयर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर वापस सब्जी की लेयर लगाएंगे। इस तरीके से जितनी सब्जी और चावल हमारे पास है उनकी हम एक एक करके इस तरीके से लेयर्स लगाते रहेंगे। गाइस, ये लेयर्स वाली जो कबूली है ये बहुत ही अच्छी लगती है, और ये वेज है और इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डाली हुई है, इसलिए जब हम इसको खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखने में भी ये बहुत ही सुंदर होती है। ये देखिए, इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे इसको। ये देखिए, जितनी लेयर्स आ सकती है 4-5 आप लगा लीजिए अच्छी तरीके से, और फिर बची हुई सब्जी जो है इसके ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। अब देखिए गाइस, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एक एक चावल को आप देखिए, क्या खिला हुआ चावल है, बहुत ही बढ़िया कबूली बनी है। राइस हमारे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एक एक चावल बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। ये देखिए गाइस, कितनी बढ़िया कबूली है, इतनी बढ़िया कबूली।
तो प्लीज़ आप भी अपने घर में बनाइए। जब आपके घर में कोई गेस्ट आए या कोई फेस्टिवल हो तब उस मौके पर आप ये कबूली बनाइए। बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो आप अपनी मेहनत कीवी को बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी लगती है खाने में। हमारी फैमिली में बहुत पसंद की जाती है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ गाइज, अगर ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़, थैंक यू।